नमस्कार, मैं रीता श्रीवास्तव। ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। आज मैं आपको पुरानी साड़ियों से एक नया डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने पहले से बना के रख लिया है, अब आपको दूसरा मैं इसी तरह का बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए हमको ये तीन रंग की साड़ियाँ चाहिए और ये सलाई चाहिए जो चार नंबर की है और एक कैंची चाहिए। ये मैंने तीन रंग की साड़ियाँ ली हैं। एक साड़ी से मैं बैकग्राउंड बनाऊंगी, दूसरी साड़ी से मैं एक पत्ती बनाऊंगी और एक साड़ी से मैं दूसरी पत्ती बनाऊंगी। अब इन साड़ियों का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको साड़ी फाड़ना दिखा रही हूँ। ये मैंने एक साड़ी ली है, इसको मैंने आधा कर लिया है और यहाँ पर कट लगा के इसको फाड़ दिया पूरा। फिर मैंने इसको आधा किया और यहाँ पर कट लगा के फाड़ दिया है। फिर साड़ी को मैंने आधा किया और कट लगा के फाड़ दिया है। एक साड़ी मैंने फाड़ के रख ली है, वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। जब इतना बचा इसको भी मैंने आधा किया और यहाँ पर कट लगाया। देखिए, कट लगाया और इसको फाड़ दिया। ये देखिए, हमारे पास ये इतनी पतली पतली पट्टियाँ आ गई हैं। ये हमने गोले बना के रख लिए हैं तीन रंग के। ये 40 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब हम इन दो कलर से, इस कलर से और इस कलर से, ये एक पत्ती बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। इस कलर से हम ये बैकग्राउंड बनाएंगे और इस कलर से हम ये पट्टी बनाएंगे। दो सलाई हम इस रंग से बिनेंगे। सीधा सीधा बिनना है हमको दोनों तरफ से। फंदे बिल्कुल ढीले ढीले लेने हैं, टाइट नहीं लेना है। पलट के फिर इसको सीधा बुनना है। पर इसमें देखिए, हम दूसरी पट्टी किस तरह से जोड़ते हैं। अब ये पट्टी हमारी खत्म हो रही है, इसमें हम दूसरी पट्टी जोड़ेंगे। इस पट्टी के अंदर हम इस पट्टी को रखेंगे और ऐसे मोड़ देंगे, ये पट्टी इसके अंदर छिप जाएगी। और इसको इसके साथ ही बुन लेंगे। ये सलाई भी हमको पूरी सीधी सीधी बुननी है। अब इधर वाली पट्टी को हम इसके अंदर मोड़ देंगे इस तरफ से। हमने दो सलाई बुन ली है सीधी सीधी। ये एक चेन बना ली है इस पट्टी की, ये वाली एक चेन बना ली है। अब हम बैकग्राउंड बनाने के लिए इसमें दूसरा कलर जोड़ेंगे। ये पहले फंदे में, ये पहला फंदा है, इसको हम सलाई को इस फंदे के अंदर से डालेंगे और इस पट्टी को ऐसे फंसाकर और बाहर निकाल लेंगे। फिर इसको इससे हम फंसाकर काट लगा देंगे। ये मेरी पट्टी जुड़ गई। अब इसको आगे कर लेंगे। अब देखिए, इस कलर से हम दो फंदे बिनेंगे, सिर्फ दो फंदे। एक फंदा और ये दूसरा फंदा। दूसरा फंदा बिनने पे ये पीछे वाली जो पट्टी है जिससे जोड़ा था, इस पट्टी को हम इसके अंदर फंसा देंगे, ऐसे करके इसके अंदर फंसा देंगे ताकि ये दिखाई ना दे। ये सिर्फ हमने दो फंदे बिने हैं। अब बाकी फंदे हम इस रंग की पट्टी से बिनेंगे। ये आखिर के दो फंदे हमने छोड़ दिए हैं, इन फंदों को हमको नहीं बिनना है और सलाई को हम पलट लेंगे। अब ये बाकी फंदे हम फिर सीधे बिन लेंगे।
लास्ट के ये दो फंदे हमको इस कलर से ही बिनने हैं। ये दो फंदे हमको ब्राउन कलर के ही बिनने हैं, इसे उनको आगे कर लेंगे। अब सिलाई को पलट लेंगे। अब दो फंदे ये हमने ब्राउन बिने थे, अब की हमको चार फंदे ब्राउन करने हैं। ये चार फंदे हमने ब्राउन कलर के कर लिए हैं। इसी तरह लास्ट में भी हमको दो फंदे फिर से ये छोड़ने हैं। चार फंदे ये हो गए हैं, चार फंदे ये हमको छोड़ने। पहले हमने ये दो फंदे छोड़े थे, अब हम फिर ये दो फंदे छोड़ देंगे। टोटल हमारे चार फंदे हो गए। चार फंदे इधर हमने दूसरे कलर के लगाए थे, हो गए थे, चार फंदे इधर हमारे छूट गए। अब हम सिलाई को पलट लेंगे। पट्टी को हम आगे कर लेंगे और इसको पीछे करके ये चार फंदे इस कलर से ही हम बिनेंगे। अभी हमारे चार फंदे थे, अब ये छह हो जाएंगे। दो फंदे फिर हम आगे ले लेंगे इससे। ये दो दो फंदे ब्राउन कलर के बढ़ाते हुए ऊपर दो दो फंदे इधर से लेते हुए ये 18 फंदे हमने कर लिए हैं। अभी 18 फंदे हो गए हैं। अब दो फंदे हम ये और इस कलर के बुन लेंगे। ये हमारे 20 फंदे हो गए हैं। ये 20 फंदे हो गए हैं और इधर ये 20 फंदे हैं। ये दो फंदे फिर हम नहीं बिनेंगे, फिर हम इसको पलट लेंगे। अब हमारे पास 20 फंदे इस कलर के हैं और 20 फंदे हमारे पास इस कलर के। अब इस कलर को हम नहीं बिनेंगे, अब केवल हम इस कलर को ही बिनेंगे। बीस फंदे ये छोड़ के इसके बाद इस कलर से ही बिनेंगे और दो दो फंदे हर सिलाई में जैसे इधर छोड़े थे इधर छोड़ते जाएंगे। अब इधर से हम केवल 18 फंदे बिनेंगे, ये दो फंदे हम छोड़ देंगे। ये दो फंदे हम छोड़ देंगे, अब बाकी 18 फंदे पलट के हम बिन लेंगे। इसी तरह हर बार हम ये दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे और अंत तक इसको इसी तरह बिनेंगे। दो दो फंदे हर सिलाई में बिना बुने उतारते हुए अब हमारे पास टोटल ये 6 फंदे बचे हैं, जिसमें हम चार फंदे बिनेंगे, दो फंदे फिर हम छोड़ देंगे। चार फंदे हमने बिन लिए, दो ये फिर हमने छोड़ दिए। इसको सिलाई को पलट लिया। अब हम दो ये चार फंदे उल्टी सिलाई में बिन लेंगे। सिलाई फिर पलट ली हमने। अब की बार हम केवल ये दो फंदे बिनेंगे, दो फंदे हम फिर छोड़ देंगे। सिलाई को फिर हम पलट लेंगे। अब हमारी ये सिलाई पूरी हो गई है। ये यहाँ से यहाँ तक ये हमने बना ली है। ये पूरी एक पट्टी बन गई है। इस कलर की ऊन को हम काट देंगे, बाद में इसको हम क्रोशिया की सहायता से अंदर छिपा देंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। नीचे का बैकग्राउंड तो इसी कलर का रहेगा, पर अब हम
इस तरह की दूसरी पत्ती बनाएंगे जो कि हमने ये कलर लिया है। अब हमारे पास फिर से ये 40 फंदे हैं, ये फिर से 40 फंदे हैं। इस रंग से हम पूरे बिनेंगे, एक सिलाई इधर से बिनेंगे और एक सिलाई पलट के बिनेंगे। दोनों सिलाई हमको सीधी बिननी है इस रंग से। ये दो सिलाई हमने एक इधर से और एक इधर से उल्टी सीधी सीधी इस रंग से हमने बिन ली है। अब ये फिर से हम ये पोर्शन फिर से बनाना शुरू करेंगे, ये डिजाइन इस तरह से। अब देखिए फिर ऐसे ही बनेगा, जैसे ये बना था ऐसे इधर बनेगा। देखिए दो फंदे हमने ब्राउन कलर के बिन लिए, बाकी पूरी सिलाई हम ग्रीन बिनेंगे। ये पांच पत्ती हरे रंग की बन गई है और ये पांच पत्ती मैरून कलर की बन गई है। ये इसका बैकग्राउंड बन गया है। अब हम इसको घटा देंगे, अब इन फंदों को हम घटा देंगे। ये देखिए ये दो फंदे हमने बिने और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल दिया। अब ये बन गया है, अब हम इसको सिलना दिखाएंगे। इसको हम क्रोशिया की सहायता से सिलेंगे। ये हमारा सिल गया है।